अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं शंग्रिला। 27 तारीख नवा महीना 2022।
हमने दो टिकट लिया है शंग्रीला के लिए, अंदर करना चाहिए, तो हम चलते अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हम बाइक पार्किंग करेंगे और हम अंदर जाएंगे। चले हम ज़रा बाइक पार्किंग करते हैं, जाएंगे क्यों देव संगजू। चले हम यहाँ पर बाइक पार्क करते हैं, बस अंदर चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। ये पार्किंग एरिया है, ये बाइक के लिए है और ये गाड़ियों के लिए पार्किंग एरिया है। जी भाई, ये हमारा एंट्रेंस है शंग्रीला का। हमने घाट को टिकट जमा करके हम अंदर जा रहे हैं। वो टिकट हाफ दिखाना है इधर, हमने हाफ दे दिया है गार्ड को और ये हाफ ये रखने के लिए कि चल अंदर कोई पूछे, या आई होप आई थिंक इसके लिए हो कोई दिखाने के लिए, अंदर कोई पूछे तो दिखा सके कि हम टिकट लेके आए हैं। ये लो पकड़ो। तो यहाँ तो खैर हम पहले भी कई मरतब आ चुके हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट टाइम व्लॉग है यहाँ का। आपने इस बार सोचा व्लॉग बनाएं ताकि आप लोगों को दिखाएं यहाँ का शंग्रीला। वैसे तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा नेट पे, इंटरनेट पे, तो खैर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए हमने यहाँ पे सोचा एक शॉर्ट व्लॉग बनाएं और आप लोगों को एक्सप्लोर करें यहाँ के बारे में। ये देखें यहाँ का ये बागीचा है, ये यहाँ पे सेब आप देख रहे होंगे, लाल लाल सेब यहाँ पे देख रहे होंगे आप। ये सेब ज़बरदस्त, क्या बात है, यहाँ पे देखें सब। ये देखें क्या बात है, सेब के दरख्त यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। चलें हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी हम यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करने वाले हैं। ये हमने जो आपको ऊपर दिखाया था, ऊपर टॉप पे हम गए थे, ऊपर वो आप देख रहे होंगे नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे हम गए थे, वहाँ से हमने पूरे व्यू हमने कैप्चर किया था। यही जगह है जो हार्ट शेप ऊपर से हमें नज़र आता है, तो बड़ा ख़ूबसूरत जगह है। यहाँ पे फूल, ताज़े ताज़े फूल और फ्रेश पानी। ये देखें मछलियाँ, देखें आप ज़रा अंदर मछलियों को देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा होगा आई थिंक। ये देखें मछलियाँ तैर रही हैं। ओ क्या बात है। तो वहाँ लोग बोट पे भी गए हैं, बोट इंजॉय करने वो लोग, हम यहाँ पे आए, आई होप हम यहाँ भी जाएँ, क्योंकि अभी तो खैर कोई इरादा तो नहीं है हमारा यहाँ पे। काफ़ी क्योंकि धूप ख़त्म हो रहा है, जो व्यू नज़र आना था वो इस टाइम सही नज़र नहीं आना, तो खैर देखते हैं। वो आगे जाके हम सोचेंगे, हमारी वाइफ से पूछेंगे कि अगर वो जाना चाहती है तो हम चलते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही ठीक हैं। ये देखें आगे व्यू आप शंग्रीला रिज़ोर्ट, यहाँ पे आप ये सब रेंट पे यहाँ पे लोगों ने दिया हुआ होता है, इनका रेंट काफ़ी हाई फाई रेंट है। वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ अंग्रेज़ लोग यहाँ पे, आप बहुत बेहतरीन जगह ये। ये आर्टिफिशियल एक जहाज़ इन्होंने रखा हुआ है टूरिस्ट के एंजॉयमेंट के लिए, बड़ा प्यारा यहाँ से लुक नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड में पहाड़, फिर ऊपर बादल, स्काई, कुछ ग्रीन सरसब्स, और ये रेस्टोरेंट वगैरह है, बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है हमें। यहाँ सेब के दरख्त, सेब बड़े ज़बरदस्त ने उठाया हुआ है। ये सारे सेब के दरख्त हैं, यहाँ पे कुछ खुबानियों के दरख्त हैं,
انگور کے درخت ہیں، مختلف درخت ہیں یہاں پہ، یہ پھول گلاب کے بھی یہاں پہ انہوں نے اگایا ہوا ہے، گلاب بھی۔ ہم اندر چلتے ہیں، دکھاتے ہیں اندر آپ کو اس آرٹیفیشیل جہاز کے اندر، جا کے ذرا ہم ویو دکھائیں گے آپ کو۔ آرٹیفیشیل ایروپلین یہاں سے ایگزٹ کا رستہ ہے، اور پیچھے جہاں سے ہم آئے تھے وہ انٹرنس ہے۔ زبردست، کیا زبردست انہوں نے بنایا ہوا ہے، پورے دیوار میں انہوں نے گرینری کیا ہوا ہے۔ اندر ریسٹوراں وغیرہ ہی ہے، کیا خوبصورت جگہ ہے یار۔ یہاں پہ لوگ کٹائی کر رہے ہیں، وہ سیکیورٹی گارڈ وہاں پہ اپنا کام بخوبی نبھا رہا ہے۔ یہ دیکھیں شنگریلا کا وہ جگہ جہاں پہ آپ آگے شاپنگ کر سکتے ہیں، یہاں پہ آ کے ہم اوپر جا رہے ہیں، بڑا خوبصورت ویو پوائنٹ یہاں پہ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے آگے دیکھیں سیب کا درخت، دیکھیں یہ یہاں کے جو لوگ رینٹ پہ لیتے ہیں مکان روم، ان کی کار پارکنگ یہاں پہ ہے۔ تو اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے واپسی سنگریلا سے، اب ہمارا ٹائم تھوڑا کم بچا ہوا ہے، اب ہم جائیں گے یہاں سے سیدھا سدپرا ڈیم انشاءاللہ۔ سدپرا ڈیم میں ہمیں کافی مزہ آنے والا ہے، تو سدپرا ڈیم پہنچ کے ہم وہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے سدپرا ڈیم کا نظارہ۔ فائنلی ہم واپس گمبس کر کے پہنچ گئے گھوم کر کے، میں نے ویڈیو بنانا کھاتے ہی کھانا کھا رکھا ہوں، پھر بھوک کے مارے میری حالت خراب ہو گئی تھی، تو ہم نے بریانی، پلاؤ، کولڈ ڈرنک، سیلیڈ، کباب اور یہ کیا تھا یہ ممتو ہم نے کھایا تھا،
तो बहरहाल सब हमारा फिनिश हो गया है, बस आपको बिरयानी नज़र आ रहा होगा, बाकी प्लेटें आगे हैं। तो भूखे मारे हमें बाद में याद आया, जायका बहुत मज़े का है बिरयानी का, पुलाव का भी मुझे बिल्कुल कराची याद आया है, पेट फुल हो गया बेगम, हमारी बेगम भी पेट फुल हो गया है, हमारा भी पेट फुल हो गया। बस अब हमारा अगला मंजिल है घर, अगर हम बाहर जाके देखते हैं कि हमें सतपर जाना हो तो हम सतपर जाएंगे, नहीं तो हम घर के लिए अल्लाह हाफिज़।